तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज हम सैल्सिलडिहाइड के बारे में, जिसे हम बोलते हैं आर्थोहाइड्रोक्सीबेंजाइल्डिहाइड। तो मेरा नाम विवेक मिश्रा और आप देख रहे हैं हम सबका पैरा चैनल विवेक मिश्रा चैनल। चलिए शुरू करते हैं, हेड डालेंगे सैल्सिलडिहाइड। सैल्सिलडिहाइड आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और यूज क्या होते हैं, सब कुछ जानेंगे इसी के बारे में। सैल्सिलडिहाइड हेडिंग डालेंगे, सैल्सिलडिहाइड। और अथवा इसे क्या बोल सकते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। होता क्या है पहले इसको समझेंगे, फार्मूला तो जान गए, मतलब इसको बोलते क्या है, सैल्सिलडिहाइड बोलते हैं या फिर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ये आपका हुआ बेंजीन, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेंजीन हुआ। अब इसी में, इसी बेंजीन में यदि आपका एक कोई सी एचओ ग्रुप जुड़ा है तो क्या हुआ, बेंजल्डिहाइड इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। और यदि यहां पर आर्थो पोजीशन पे क्या आ जाए, OH आ जाए, तो इसे क्या बोलेंगे हम, आर्थो हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH ग्रुप जब हमारा लास्ट में लगता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, आल बोलते हैं। बट जब पहले यूज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो यह आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, आर्थो पे जुड़ा है इसलिए आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, इसी को बोलते हैं हम सैलसिल डिहाइड। इसी के बारे में जानेंगे टोटल वीडियो में, चलिए देखते हैं। और यह मत समझिएगा कि ये OH है, इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है OH यहाँ हो और CHO यहाँ हो, आर्थो पोजीशन पे होना चाहिए बस। ऐसा भी हो सकता है OH यहाँ हो और CHO यहाँ हो, तो ये मेटा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों के देख रहे हैं, यहां से जोड़ेंगे, अगर यहां से फर्स्ट पोजीशन पे जाकर OH जुड़ रहा है तो आर्थो हाइड्रोक्सी ही होगा, यहां जाकर OH जुड़ जाए ये पैरा पोजीशन नहीं हो जाएगा। देख रहे हैं यहां से फर्स्ट पोजीशन पर, CHO के फर्स्ट पोजीशन पर OH जुड़ा है, देखिए यहां पर, तो ये क्या होगा हमारा, OH क्या हुआ, आर्थो हाइड्रोक्सी आर्थो हुआ। अगर यहां पर जुड़ता तो मेटा होता, यहां पर जुड़ता तो पैरा होता, इतना ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो चलिए देख लेते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का फर्स्ट पॉइंट डालेंगे बाय ऑक्सीडेशन, किस प्रकार से इसको प्राप्त किया जा सकता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। जब हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल को का ऑक्सीडेशन कराते हैं तब जाकर हमारा बेंजल डिहाइड बनता है। वैसे भी आप जनरली अभी तक पढ़ चुके होंगे, जब हम सॉरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा एल्डिहाइड बनता ही है। तो उसी प्रकार आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करा देंगे तो बेंजिल डिहाइड बना लेता है, समझ में बात आ रही है। चलिए अब हम क्या कराएंगे, करा दीजिए, आर्थो पोजीशन पे जुड़ा है OH CH2OH, OH जुड़ा है और CH2OH, इसे हम बोलते क्या, आर्थो पे हाइड्रोक्सी और CH2OH होता है तो हमारा क्या होता है, बेंजिल एल्कोहल होता है। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, एल्को ये हुआ। किसके साथ कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोसो बेंजीन के साथ कराते हैं, नाइट्रोसो बेंजीन। इसका फार्मूला ध्यान दीजिएगा, C6H5NO, C6H5NO इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर की प्रेजेंस में कराते हैं नाइट्रोसो बेंजीन, लिख लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे, नाइट्रोसो बेंजीन। अब बनाएगा क्या ये,
जब हम इसके साथ कराते हैं तो क्या करता है, ये हमारा OH रहता ही है, यहाँ पर CH एक H हटता है और N C6H5 जा करके जुड़ जाता है, OH और ये O, O और OH है, H2O बना लेता है पहली चीज। नहीं तो इसको सब छोड़ते हुए आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा दीजिए, नाइट्रोसो बेंजीन के साथ कराने से अच्छा है आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराइए, छोड़िए इसको, इसका हम कराते हैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। ये बनाएंगे क्या, पहले तो हमारा बेंजीन रिंग बनेगा ही, ऑर्थो पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये देखेंगे CH2OH है, CH2OH कैसे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से CH2OH, इसी प्रकार लिखते हैं CH2OH। हम जानते हैं जब ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन कार्बन को डोनेट करेगा, अर्थात जब कार्बन को डोनेट किया तो ये H प्लस के रूप में निकलेगा, ये देखिए H प्लस के रूप में निकल जाएगा, इसके पास माइनस आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ तो ही गया और माइनस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है इसलिए यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, जिसके कारण ध्यान समझिएगा जिसके कारण यहां पर ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। अब इस पे माइनस चार्ज था, ये अपना डोनेट कर दिया तो माइनस लिया था, जब डोनेट कर दिया तो क्या हो गया न्यूट्रल, और ऑक्सीजन ले रहा है इसलिए इस पे माइनस आ जा गया, माइनस और OH प्लस आके इस पे जुड़ जाता है जिसके कारण ये इसको न्यूट्रल कर देता है, बनाया क्या। अब जानते हैं हम जब किसी कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं OH OH दो ग्रुप जुड़े हैं तो वो क्या हो जाता है अनस्टेबल और H2O के रूप में निकल जाता है, तो H2O के रूप में निकल जाएगा प्लस H2O और क्या बना लेगा CHO, और यहां पर भी देख रहे हैं इस कार्बन को भी एक बॉन्ड कमी ऑक्सीजन को भी एक बॉन्ड कमी इसलिए डबल बॉन्ड के साथ बंध जाते हैं, तो क्या बना लिया CHO जिसे हम बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, नोट कीजिए फटाफट से। अगला मेथड आप प्रिपरेशन देखते हैं, अगला मेथड आप प्रिपरेशन सबसे अच्छा तो है, आपने रायमन टीमन रिएक्शन में दिखाया था, देखिए फिनॉल जब हम फिनॉल पढ़ा रहे थे रायमन टीमन रिएक्शन में बताया था कि फिनॉल से हम सैल्सिलडिहाइड बनाए थे, ध्यान दीजिएगा क्लोरोफॉर्म साथ रिएक्ट कराते थे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते थे, याद आ रहा है फिनॉल, अगर जो पढ़े होंगे उनको याद आ रहा होगा। अब देखिएगा सेकंड लिख लेंगे, ये तो हमारा बच्चा ही रह गया, हट जाओ जी तुम भी, नया नया आएगा बाई रायमन टीमन रिएक्शन, रायमन टीमन रिएक्शन, रायमन टीमन रिएक्शन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं सैल्सिलडिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे प्राप्त करेंगे ये चीज ध्यान दीजिएगा, हम रायमन टीमन रिएक्शन में आपको बताए थे पहले बात हम फिनॉल ले रहे थे, ये रहा हमारा फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन हम कराते थे किसके साथ CHCl3 जो कि हमारा होता था क्लोरोफॉर्म, ये होता है हमारा फिनॉल, ये हमारा था क्लोरोफॉर्म, इसका हम रिएक्शन कराते थे NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहीं पर लिख लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या होता है कि ये क्या करता है, एक तो NaOH के रूप में टूटता है NaCl बना लेता है, दूसरा ये यहां पर जाकर जब जुड़ता है ध्यान दीजिएगा इस पर ऑलरेडी H होता है, जब यहां पर ये जाकर जुड़ता है तो H को रिप्लेस करेगा, तो हमारा H जब निकलेगा OH माइनस H प्लस के रूप में निकलेगा H2O बना लेता है, H2O और क्या बनाता है NaCl बना लेता है, और बचा क्या CHCl2 जाकर यहीं पर जुड़ जाता है, OH CHCl2 यहां तक समझ में आया किसी को कोई दिक्कत हुई। अब जब ये क्या करते हैं हम इसका फिर से H प्लस के साथ रिएक्ट कराते हैं किसको, ये जो हमारा कंपाउंड बन रहा है OH
CHCl2 इसका रिएक्शन करा देते हैं H प्लस के साथ, 2H प्लस कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि 2Cl है। तो ये क्या निकाल देगा हमारा, अब यहीं पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर H प्लस के साथ ना करा के आप H2O के साथ करा दीजिए, H2O डबल H2 HCl बनाएगा, 2HCl, 2HCl बना लिया और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, क्या बन गया हमारा सल्सल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जिसे बोलते हैं। ये क्या हुआ OH CH, देखेंगे H2 किसी प्रकार में जुड़ा था ना OH, जब ये HH टूट गया इसको डबल बॉन्ड कमी हो गई, डबल बॉन्ड साथ जुड़ेगा, 2Cl गया इसको भी डबल बॉन्ड कमी हुई, CHO, हम जानते हैं CHO इसी रूप में होता है, CHO इस रूप में होता है ना। तो ये क्या बना है हमारा सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलडिहाइड बना लिया, नोट कर लीजिए। तो अगला डालेंगे हेडिंग प्रॉपर्टीज, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है? चलिए तो प्रॉपर्टी में लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट डालेंगे, जो सैलिसिलडिहाइड होता है वो कलरलेस ओनली वन लिक्विड होता है, सैलिसिलडिहाइड ओनली ऑलवेज लिक्विड में ही रहता है, तो लिख लेंगे सैलिसिलडिहाइड गलत हो गया ना स्पेलिंग, सैलिसिलडिहाइड इज ए कलरलेस ओनली लिक्विड, कलरलेस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होता है। इसका बताएंगे जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर नहीं बॉइलिंग पॉइंट, इट्स बीपी, तो समझ लेंगे आप ब्लड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इज 197 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, इसका 197 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होना स्टार्ट कर देता है। थर्ड बताएंगे, थर्ड क्या होता है इसका, इसका जो आर्डर होता है मतलब सुगंध जो होती है बिटर एलमंड की तरह होती है, इट्स ऑर्डर, ऑर्डर मतलब वो आदेश वाला ऑर्डर नहीं, ऑर्डर मतलब होता है ODOUR मतलब गंध होता है, ये इट्स ऑर्डर इज लाइक की तरह होता है बिटर एलमंड, बिटर एलमंड की तरह इसका गंध होता है। फोर्थ बताएंगे, इट्स स्पेरिंगली सोल्यूबल, सोल्यूबल इन वाटर बट, लेकिन रेडियली सोल्यूबल इन एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल एंड ईथर ETC। बताएंगे कि ये स्पेंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये जल में अल्पविलेय होता है बट रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, बट ईथर और एल्कोहल में जल्द ही ये घुल जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम आई यहां तक? चलिए अब अगला हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का नेक्स्ट ही वीडियो, नेक्स्ट ही टॉपिक है, जैसे प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी होती है ना, एक फिजिकल और एक केमिकल, ये प्रॉपर्टी का दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट दिखा देंगे ऑक्सीडेशन। देखिए प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किससे किससे इसको बनाया जा सकता है, मतलब एस्टरडिहाइड सैलिसिलडिहाइड को किससे किससे बनाया जा सकता है, बट केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे सैलिसिलडिहाइड का किससे रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड बनाया जा सकता है, मतलब सैलिसिलडिहाइड से क्या बनाया जा सकता है वो केमिकल प्रॉपर्टी में दिखाते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किससे सैलिसिलडिहाइड बनाया जा सकता है वो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन में देखेंगे, जब हम करेंगे इसका सैलिसिलडिहाइड का ऑक्सीडेशन, सैलिसिलडिहाइड क्या होता है हम जानते ही हैं, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, मतलब इतनी बार हम नाम ले रहेंगे आप लोग सोते रहिए फिर भी याद जाएगा ना, देखना सो मत जाना मोबाइल पकड़े पकड़े। OH CHO प्लस ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं,
ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में, के एमनो वनो फोर, के एमनो फोर के साथ कराएंगे। अब देखो ऑक्सीडेशन का, जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है। वैसे इसमें सैलसिलडिहाइड का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, सैलसिलिक एसिड बनेगा। ये देखो सैलसिलडिहाइड है, देखो ये क्या है हमारा, देखो सब कुछ हम दिखा रहे हैं, OH है, CHO है ना, CHO। इसका जब हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराने का क्या होता है ध्यान समझिएगा, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन देगा, कार्बन माइनस चार्ज और H प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज जो आया है ये अपना ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, जब ऑक्सीजन डोनेट करेगा ये ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन माइनस चार्ज आ गया, अब हाइड्रोजन प्लस था, हाइड्रोजन इससे आके जुड़ गया और ये पे माइनस इस पे प्लस, ये जब बंद बना लिया दोनों न्यूट्रल हो गए, सी ओ ओ एच बना लिया, सिंपल सा तरीका है। समझ में नहीं आया, नहीं आया समझ में, बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी नहीं, चल फिर समझ लो। देखो सी एच ओ था, इसी प्रकार सी एच ओ होता है ना, करेंगे क्या, ये हाइड्रोजन इसको डोनेट करेगा जिसके कारण कार्बन पे माइनस और एच पे प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल होता है हमेशा, ऑक्सीजन जब क्या करता है ऑक्सीडेशन के समय, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, बेचारा पा जाता है, खुशी खुशी इसी के साथ जुड़ जाता है, लेकिन करे क्या बेचारा, ले तो लिया लेकिन इस पे कर जा गया, लेकिन फिर भी इतना खुश है, हाँ मैं जुड़ गया। अब क्या करेंगे, इस पे माइनस चार्ज आ गया, अब इस पे माइनस चार्ज आ गया, सोचेगा कहीं से कुछ मिल जाए तो हम अपना बैलेंस न्यूट्रल कर ले। तो आप लोग भी देखो, जैसे जो भी मनुष्य अगर डी रहता है तो सोचता है कि मैं, कोई भी नहीं चाहता कि मेरे डी रहूं, वो हमेशा सोचता है मैं न्यूट्रल हो जाऊं, मतलब मेरे ऊपर कोई भी कर्ज ना हो, तो एच प्लस को धीरे से बुलाता है, ये बालक जल्दी जल्दी आ जाओ, हम तुम हमारे साथ लेना अदला बदली कर लो, तुम भी अच्छे से हो जाओ, हम भी अच्छे से हो जाए, तुम्हारा पैसा बराबर, मेरा पैसा भी मेंटेन। ये देखो ये इसके साथ आकर जुड़ जाता है, इस पर प्लस था, इस पर माइनस था, दोनों का टूट गया, दोनों खुशी खुशी खुश हो गए, सी ओ ओ एच बना लिया, हमारा बन गया, हम भी खुश हो गए, हमारा सैलसिलडिहाइड बन गया, क्या जी खुश हुई है कि नहीं, सैलसिलडिहाइड, ओ सैलसिलिक एसिड जी, एसिड बना कि नहीं बना, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आया। अगला दिखा देंगे, रिएक्शन विथ एल्कलीन H2O2, मिटा दें इसको, ये चीज नहीं नोट करना था, बस इतना ही नोट करना था, दूसरा इसमें दिखाएंगे रिएक्शन विद एल्कलीन H2O2, ये कैटिकॉल बनाता है, देखेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, मतलब सैलसिलडिहाइड है, OH CH, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं H2O2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कराएंगे। जब NaOH के साथ कराते हैं तो ये क्या बना लेगा हमारा, ये हमारा कैटिकॉल बना लेता है, ध्यान समझिएगा, OH और इधर भी OH जाकर के हमारा जुड़ जाता है, और क्या बनाया, HCOONA, देखना ध्यान से, एक ऑक्सीजन यहां से निकला, देखो एक ऑक्सीजन निकला H प्लस, यहां से जाकर रिएक्ट किया, क्या कर लिया, OH बना लिया, और जो CHO है यहां देख रहे हो HC, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, HCOONA, ONA आ जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, HCO था, ONA जाकर जुड़ गया, ONA, और क्या बना हमारा, H2O थे हमारा निकल ही गया H2, ये इसे बोलते हैं कैटिकॉल, कैटिकॉल, नोट कर लो फटाफट से, समझ पा रहे हैं। और ये HCOONA फार्मूला जानते हो, HCOONA फार्मूला कई बार बता चुके हैं, सोडियम फार्मेट, जैसे मिथिल फार्मेट बोलते थे, जो भी यहाँ रहेगा ये सोडियम है, ये फार्मेट है, सोडियम फार्मेट। अब देखो
तीसरा बता देंगे इसका रिडक्शन करा दो, रिडक्शन याद करो हमने इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन के समय ये कराया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किसका ऑक्सीडेशन कराया था कि ये बना था, अब इसका रिडक्शन करा दो वही बनेगा, याद आ रहा होगा आर्थो हाइड्रोक्सी एल्को हाइड्रो सॉरी आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल कराया था ना, देखो इसका रिडक्शन कराओ वही बनेगा, तो करा देते हैं, करा के दिखाएंगे सब कुछ बने रहने के लिए, जानते तो क्या बताएं, वही लाल कलर वाला सब्सक्राइबर हुआ दबा दो, बने रहोगे हमारे साथ, वीडियो अपलोड करेंगे पा जाओगे, खुश हो जाओगे, अरे मेरे वीडियो मिल गया, मुझे वीडियो मिल गया। चलो देखो रिडक्शन करा देते हैं इसका, जब रिडक्शन कराएंगे क्या होगा, जैसे मान लीजिए पूरा टोटल तो हमारा वही रहेगा, सी एच ओ में कराएंगे, सी एच ओ में होता है, सी एच ओ फुल फॉर्म जानते हो, सोचो मतलब सोचो कि नहीं सोचो कैसे बनाओगे, ये सी एच ओ है सी एच, इसका क्या करा रहे हैं रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स ये देखो ये बॉन्ड इसको डोनेट करेगा, जिसके कारण इस पे माइनस इस पे प्लस, एच क्या होता है एच माइनस एच प्लस दोनों होता है, इसको दोनों को मेंटेन कर देगा, ये एच इस पे भी आ जाएगा एच इस पे भी आ जाएगा, सी एच टू ओ एच बना लिया, इसलिए इस पे दो एच लगा है, इसलिए यहाँ पर लगा दो सी एच टू ओ एच, इसका नाम क्या होता है आर्थो हाइड्रोक्सी और बेंजिल एल्कोहल बोलते हैं ना इसको, आर्थो हाइड्रोक्सी, बाकी इसको क्या बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, मजा आ रहा है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है, चलो तेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत है नोट कर लो, अब यूज कर लेंगे इसका, और भी दिखा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत है ज्यादा है नहीं, क्योंकि एकदम लांग में तो आता नहीं है क्वेश्चन, जितना बता रहे हैं इतना कर देंगे, इतने में ही क्वेश्चन आपका पूरा आएगा ही, तो यूज लिखेंगे किसमें किसमें यूज होता है इसका, ये चीज जानेंगे, यूज बता देंगे एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसका यूज होता है, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, दूसरा क्या बताएंगे इन द सिंथेसिस ऑफ सम डाइस, सम कुछ डाइस के ये सिंथेसिस में भी कार्य आता है, इन द सिंथेसिस सम डाइज, कुछ डाई के ये क्या होता है सिंथेसिस में भी काम आता है, नोट कर लीजिए फटाफट से नोट कर लिए, तो अगली वीडियो जो आएगी हमारी वेनिलिन के बारे में आएगी, वो भी इंपॉर्टेंट होता है वेनिलिन, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेनिलिन के साथ, तो चलते हैं अगली वीडियो में फिर दिखेंगे, जय जय भारत, वंदे मातरम।